बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आपको इंतहाई खबर से आगाह करते चलूँ के जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक असम्बली के अंदर सिंध असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर करवाई है कि तहरीक इंसाफ को कलदम करार दिया जाए। तो इस हवाले से नादरीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अलामा साद हुसैन रिजवी साहब से तहरीक लबैक पाकिस्तान के वकला का एक अहम तरीन जो है ना एक इजलास हुआ, मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर जो है अहम तरीन फैसले किए और बहुत बड़े फैसले लिए गए, और ये वो तमाम डिटेल है जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। आप वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि अलामा साद शहरी साहब उन वकला के साथ मौजूद हैं और इन वकला ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो एक आइन और कानून जो है ना एक लॉन्ग मार्च की एहतजाज की इजाज़त देता है, इस हवाले से मशवरत की गई है और ये मशवरत मुकम्मल कर ली गई है। और जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात एक क्या किया है, सरप्राइज दिया तहरीक इंसाफ को, ये सरप्राइज तहरीक इंसाफ हमेशा याद रखेगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम तरीन न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ नाजरीन शेयर की जा रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अलामा साद हुसैन साहब से वकला की टीम ने मुलाकात की और तमाम मशवरा जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। ये थी अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।